बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ आमना। टुडे आई विल डिस्कस 1 ईयर प्लान फॉर CSS PMS। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो स्टार्ट करते हैं CSS, उनको नहीं पता होता है कि लॉन्ग टर्म प्लान किस तरह बनाना है। सबसे पहले तो आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान बनाएंगे ना, उसके बाद आप अपने शॉर्ट टर्म्स प्लान पर आएंगे। तो ये एक तरह से मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म प्लान दिया है, एक रफ सा प्लान आपको दिया। अपनी मर्ज़ी से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो आप पर है। क्लियर? मतलब जो आप बेहतर समझते हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन एक रफ सा प्लान आपके सामने रख दिया कि भाई इस तरह से पूरे साल में तैयारी की जा सकती है। ये वो साल है जब आपने सोचा कि आपने CSS करना है, और आपने मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने क्या कि भाई कल से मैंने ये स्टार्ट कर देना है। तो मंथ वन, पहले महीने में क्या होने वाला है? पहला महीना वो है जब आपको CSS का कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ फैमिलरिटी कायम करनी है CSS के साथ, अपना एक CSS या PMS के साथ एक लिंक जोड़ना है। किस तरह जोड़ सकते हैं, देखिए वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स को स्टार्ट में समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, फ्रॉम वेयर, हाउ, कहाँ से भाई, कौन सा टॉपिक। ये सबके साथ होता है, आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप CSS नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्विट कर देना चाहिए। तो पहला महीना सिर्फ अंडरस्टैंड करना है CSS क्या है, PMS क्या है। उसके लिए FPSC की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर सिलेबस पढ़ा हुआ है, उसको हार्ड में निकलवा के अपने सामने रख लें और सबसे पहले अंडरस्टैंड करें सिलेबस को कि सिलेबस है क्या। दूसरे नंबर पे वर्ड बाय वर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट को का जो सिलेबस है उसको आपने वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। तीसरी बात, चूज़ ऑप्शनल अकॉर्डिंगली। अब आपको पूरा महीना मिला, अगर सुकून से अंडरस्टैंड करें सिलेबस को, तो आप जब पूरे सिलेबस को पढ़ रहे होंगे ना, तो उसको मतलब तरीके से पढ़ना है। तो जब आप उसको तरीके से पढ़ेंगे ना, तो आप खुद ऑप्शनल खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे हतनी फैसला ना करें कि भाई यही ऑप्शन होंगे, लेकिन थोड़ा आइडिया ज़रूर डिवेल्प हो जाना चाहिए कि हाँ ये वाले ऑप्शंस में ऑप्ट कर सकती हूँ। देन आपके पास आ जाएगा मंथ 2 to 4, फोकस ऑन एसेंशियल्स। ये वो टाइम है जब आपने बहुत ज़रूरी ज़रूरी चीज़ों पे आपने फोकस करने, अब उस चीज़ से बाहर आ जाए कि भाई CSS की समझ नहीं आ रही है, बाकायदा तौर पर अब पढ़ना स्टार्ट कर देना आपने। स्टार्ट लर्निंग कंपल्सरी सब्जेक्ट्स फर्स्ट, सबसे पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ें। 6 सब्जेक्ट्स हैं, उन 6 के 6 को लेके चलें। कोशिश करें कि 1.5 महीना 3 को ले लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो 1.5 महीना बचेगा आपके पास, वो बाकी के जो 3 होंगे वो आप कर लें। इन 3 महीनों में आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का। हो सकता है डोंट लीव एनी टॉपिक अनटच्ड, अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं भी है उसको अनटच्ड नहीं रखना, मतलब कि एटलीस्ट उसको आपने एक दफ़ा सुनना ज़रूर है कि आपके अनकॉन्शियस में कहीं ना कहीं वो टॉपिक कहीं बैठ जाए। क्लियर? यहाँ पे मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, नोट, यू शुड लर्न एसे एंड प्रेसी इन दीज मंथ्स बट प्रैक्टिस देम थ्रू आउट योर प्रिपरेशन विद प्रॉपर एवेल्यूएशन। इन 3 महीने में आप प्रेसी और इंग्लिश अपने किसी मेंटोर से सीखेंगे ज़रूर, लेकिन साल के एंड तक पेपर देने से पहले तक आपने उनकी एवेल्यूएशन कंटिन्यू रखनी है, उनको छोड़ना नहीं है। ना आपने प्रेसी को छोड़ना है, ना आपने एसे को छोड़ना, तभी आपको साल के एंड पर इंग्लिश लिखनी आएगी। ठीक है, और ये भी बता दूं कि वो बच्चे जो इंग्लिश के मेंटोर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई इस महीने में हमें बस सिखा दें, और सेशन ख़त्म होता है उसके बाद कहते हैं कि भाई इस मेंटोर को तो कुछ आता ही नहीं था, इसने 1 महीने में क्या सिखाया। देखिए, जो मैक्सिमम हो सकता है आपका मेंटोर आपको सिखाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। एवेल्यूएशंस के सेशंस ज्वाइन करें, एवेल्यूएशंस करवाएं, एवेल्यूएशन खुद से भी आप कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है। देन उसके बाद आपके पास मंथ आ जाएगा मंथ 5 to 7, ये वो मंथ है जब आपने ऑप्शनल करने हैं अपने। टेक क्लासेस एंड गेट योर सेल्फ डन विद दीज 3 मंथ्स। अगैन 6 सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के, 3 जो से सब्जेक्ट्स हैं वो आप 1.5 महीने में करेंगे और 3 सब्जेक्ट्स आप 1.5 महीने में करेंगे, एंड बिलीव मी इट्स पॉसिबल। नेक्स्ट, देन मंथ्स आगे 8 to 10, अब ये वो टाइम है जब आपने क्या करना है, एप्लीकेशन एंड रिवीजन। एक चीज़ याद रखें, रिवीजन इज़ द की। चीज़ों को याद करेंगे, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों को याद करने का। तो रिवीजन की है, उससे आपको बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यू हैव टू डू 2 थिंग्स इन 2 महीनों में, आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने करना है रिगरस प्रैक्टिस ऑफ एसे एंड प्रेसी, ऐसे और प्रेसी की हद से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। दूसरा,
ऐड टॉपिक्स विच यू हैव मिस्ड अर्लियर, कुछ टॉपिक्स आपसे रह गए होंगे उनको सबसे पहले करने हैं, उनकी रिवीजन करनी है, और साथ साथ बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आपने ये रिवीजन का आपका टाइम है, रिवाइज करें, लिखे ना चाहे सिर्फ रिवाइज करें, ठीक है, लिखने का टाइम अभी आगे आएगा। देन उसके बाद मंथ आपके पास आ जाएगा 11 to 12, ये वो मंथ है, टेक एज मच एज मॉक्स एज पॉसिबल। मॉक्स क्या होता है, पास्ट पेपर सॉल्व करो, ठीक है, मॉक्स क्या होता है कि पूरी पूरी बुक के टेस्ट दो, पाकिस्तान अफेयर के कोई 10-20 टेस्ट दे दो किसी को, ठीक है, करंट अफेयर के कोई 10 टेस्ट दे दो। तो ये वो टाइम है जब आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, अब आखिरी के जो 2-3 महीने होते हैं उसमें रिटर्न प्रैक्टिस करें। वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग, और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट पर भी काम करें। मेक श्योर यू मीट डेडलाइंस, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है, डेडलाइंस भी दे दी कि भाई इस महीने ये हो जाना चाहिए, इस महीने ये हो जाना चाहिए, तो इस पूरे के पूरे टाइम टेबल को चेंज कर सकते हैं, बट डेडलाइंस को आप मतलब कि डेडलाइंस तक लाजमी अपना काम जो है वो पूरा करें। बाकी खुश रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रीड योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलती हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ, अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।